सुनीता राजभर बिकने वालों में से नहीं है और किसी की ना तो हैसियत है और ना ही तो औकात है सुनीता राजभर जहाँ जाएंगी सम्मान के साथ जाएंगी और सम्मान के साथ रहें बिल्कुल सौदा करते हैं कटहरी विधानसभा में उन्होंने पाँच करोड़ ले लिया कटहरी विधानसभा में पाँच करोड़ लेकर के और पैदल चल करके जो है कि मार्च निकाल कर पूछती हूँ कि मुझे ग्रेजुएट ओ भी राजभर जी ने बनाया मुझे मैं मेरा सवाल है कि मुझे बोलने के लिए वो सिखाएं ट्रेनिंग दिए हैं मुझे कौन सी ट्रेनिंग दिए हैं अरे उनके पार्टी में माइक भी पकड़ने के लिए सौ बारिश लगाना पड़ता है तब जाकर सुनीता राजभर फिर मौजूद है दूसरे इंटरव्यू में जैसे इस्तीफा देने के बाद मेरे चैनल पे इनका इंटरव्यू चला आज मैं फिर एक हफ्ता बाद इनसे जो है इंटरव्यू पे आज मेरे साथ बैठी हैं आज जानेंगे एक हफ्ता बाद क्या कुछ राजनीतिक जो है गलियारे में हलचल है और वहीं कुछ लोगों का कयास लगाना है कि ये समाजवादी पार्टी में जा रही है तो बीएसपी में जा रही है तो इस तरीके की तमाम बातें आ रही हैं ओपी राजभर की भी कुछ प्रतिक्रिया आ रही है तो तमाम मुद्दों पे बात होगी आप वीडियो में बने रही है मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में सबसे पहले तो आपको धन्यवाद और आपको भी और आपके दर्शकों को भी जी आपका फिर हम एक हफ्ते बाद इंटरव्यू पर आप बैठी हैं इंटरव्यू आपसे फिर हो रहा है तो अभी राजनीतिक एक हफ्ता बीत गया तो राजनीतिक गलियारे में क्या हलचल है कुछ बताएंगे दर्शकों को दर्शक इंतजार कर रहे हैं कि एक हफ्ता बीत गया और अभी आपने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं किया तो क्या हलचल है कुछ राजनीतिक गलियारे में हाँ बिल्कुल अभी तो देखिए मैं तो यही आपसे कहना चाहूँगी कि मेरे इस्तीफे को आज वन वीक हो गए और नेक्स्ट सैटरडे मैंने इस्तीफा दिया था और आज फिर से सैटरडे है और आपसे मेरी सा फिर से सामना मेरा हो गया तो मैं ये की चीज़ कहना चाहूँगी कि अभी भी कोई स्टैंड मेरा नहीं है लोग क्यास लगा रहे हैं चारों तरफ से मैंने तो मैं तो यही सोच करके इस्तीफ़ा दी थी कि माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी की जब नीतियाँ मुझे गलत लगी मैं तो यही अभी भी पूछ रही हूँ कि मैं मुझे अभी अ, मेरा अभी कोई स्टैंड नहीं है लेकिन अगला कोई स्टैंड होगा तो ज़रूर आप तक जाएगी ये बात लोग क्यास लगा रहे हैं लोग एलिगेशन लगा रहे हैं मेरे ऊपर कि सुनीता राजभर को कहीं से ना पार्टी से किसी से पैसा मिला होगा गाड़ी ऑफ़र मिले होंगे तो मैं एक चीज़ आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहती हूँ कि माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जिन कार्यकर्ताओं ने माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर और सुभाषपा को बीस साल अठारह साल सत्रह साल नौ साल आठ साल दिए हैं क्या वो समय क्या वो वक्त क्या वो दिन लौटा सकते हैं क्या है किसी की हैसियत जो मेरे ऊपर उंगली उठा रहे हैं कि आपको स्वार्थ आ, आ, स्वार्थ है और आपको कहीं ना कहीं कुछ मिला है तो मैं मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ कि एक बार आप उनसे सवाल करिए कि उनकी हैसियत है क्या कि अपने घर परिवार को छोड़ करके आ के समाज के लिए आ, दस दिन चल सकते हैं निस्वार्थ भाव से आ, कि उनको एक भी रुपया मिलेगा नहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं कि सुनीता राजभर को जो है कि ओ पी राजभर की वजह से जाना जाता है ये भी एक सवाल है मैं पूछती हूँ कि मुझे ग्रेजुएट ओ पी राजभर जी ने बनाया मुझे मैं मेरा सवाल है कि मुझे बोलने के लिए वो सिखाएं ट्रेनिंग दिए हैं मुझे कौन सी ट्रेनिंग दिए हैं अरे उनके पार्टी में माइक भी पकड़ने के लिए सौ बार पॉलिस लगाना पड़ता है तब जा कर के माइक मिलता है ठीक है तो उनको मैं बता देना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि वो कोई मेरे ऊपर एहसान नहीं किए हैं मैंने अपना अपनी छः महीने की बच्ची छोड़ के अपना नौ साल यूँ ही बर्बाद नहीं किया है और आज जो है कि मैं कहीं जॉब करती ना तो बीस बाईस हज़ार मेरी सैलरी होती और वो लोग एलिगेशन मेरे ऊपर लगा रहे हैं जो अपने परिवार को जिला रहे हैं खिला रहे हैं और अपना नौकरी करके अपना पैसा अपने परिवार को भेज रहे हैं मैं उनसे एक सवाल करना चाहती हूं बाबू भैया तुम आ जाओ पूर्वांचल में आके जय वो जय वो राजभर राजभर करना और तुम्हें एक रुपया से मुलाकात नहीं होगा ना भेंट होगा और ना तुम्हारे कैरियर का कोई अता पता होगा क्या तुम कर सकते हो ऐसा नहीं कर सकते हो लेकिन सुनीता राजभर पे उंगली उठाना आसान है तुम्हारी औकात नहीं है कि सुनीता राजभर इतना ना तुम त्याग कर सको छह महीने की बच्ची मैं जिंदा हूं लेकिन उस बच्ची को आज भी मैं जब छोड़ी थी छोटी बच्ची को तो उसको एहसास था कि मेरी बच्ची मे, मेरी मां इस दुनिया में नहीं है क्या वो त्याग वो समर्पण वो दिन वो समय लौटा सकते हैं ओ पी राजभर जी या उनके समर्थक नहीं लौटा सकते हैं? क्या ओ पी राजभर जी की पार्टी में बीस साल से काम करके मटिया पलित हो गए लोग हड्डी उनकी गल गई पसली उनकी गल गई खत्म हो गई मर गए दफन हो गए क्या उनके परिवार का ये सदस्य लौटा सकते हैं जिन कार्यकर्ताओं के बच्चे चटनी रोटी खा करके और माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी को मंत्री बनाया और उनको जो है कि कैबिनेट मंत्री और और ऑटो चालक से लेकर के हेलीकॉप्टर तक पहुंचाया क्या वो चटनी रोटी वो समय वो 20 साल का वक्त वो पी राजभर के पास है हैसियत और उनके समर्थकों के पास है हैसियत लौटा सकते हैं क्या वो कार्यकर्ताओं का दिन वो समय किसी के पास भी इतनी औकात नहीं कि आप उसको एक दिन या एक साल या नौ साल समय दिए हों या बीस साल समय दिए हों तो उसका समय कोई नहीं लौटा सकता अनमोल जी बिल्कुल जब आपने सुभाषपा ज्वाइन किया था तो क्या ओ पी राजभर से कुछ आपके वादे हुए होंगे या राजनीतिक कैरियर के लिए कोई बात हुई होगी कोई ना कोई तो वादा या तो समाज के लिए वादा कि हम अपने महिला हैं अपने समाज के लिए ओ पी राजभर के साथ लड़के लड़ाई लड़ूंगी जैसे वो कहते हैं कि अपने समाज को मैं आरक्षण दिलाने के लिए लगातार आज प्रयास में है लेकिन बाईस साल का दिन हो गया दो दो बार कैबिनेट मंत्री रहे लेकिन आज तक जो है कोई कोई आरक्षण और कोई अपने समाज के लिए वो कुछ कर नहीं पाए तो आप आखिर किस वजह से उनके साथ जो है सुभाषपा में जो है पार्टी ज्वाइन की थी और आगे क्या कदम था आपका कि आ, अब जो है आपने सुभाषपा छोड़ दिया तो पहला कदम क्या था उस पार्टी के साथ जाने का वादे मुद्दे वादे मुद्दे क्या थे वादे वादे ये थे कि समाज की महिलाओं को निकालो समाज की पढ़ी लिखी महिलाओं को आप निकालो घर से बाहर निकालो मैं उसको एक अच्छे जगह पे स्थापित करूँगा समाज को मैं एक अच्छे लेवल तक लेके जाऊँगा एस टी आरक्षण बिजली का बिल समाज को पुलिस दरोगा सिपाही बनाने के वादे महिलाओं के लिए आरक्षण शराब का बंदी वोटरों के पेंशन तमाम ऐसे मुद्दे थे जो बहुत इम्पोर्टेंट थे आज मैं उस वादों को फेल देखती हूँ आ, आज उनके सारे किए हुए वादे आप आप बताएं सत्रह सीट उनको मिला था राजभर समाज की बेटी विधायक नहीं बनेगी सांसद नहीं बनेगी सिर्फ आप ही के परिवार में लोग बनेंगे सिर्फ आप ही लड़ेंगे आपने तो वादे किए थे कि मैं चुनाव कभी नहीं आजीवन आज नहीं लड़ूंगा आप आपने ये भी कहा था कि मेरे परिवार से भी कोई नहीं लड़ेगा तो फिर आप ये दोहरी राजनीति क्यों करते हैं आप ये दो मुंह सांप वाली बात हकीकत क्यों करवा रहे हैं तो आपने तो बहुत सारे वादे किए थे जो सारे वादे आज फेल हो गए तो वादे वादे बहुत ज्यादा जो है कि दुख दिए हैं और वो वादे ही इनको ले डूबेंगे और जो पार्टी के हित में काम नहीं किए जा रहे हैं जो समाज हित के लिए काम नहीं किए जा रहे हैं जो तीन करोड़ जो पांच करोड़ लिए हैं अभी कटहरी विधानसभा जिताने के लिए पांच करोड़ रुपया लिए हैं तीन करोड़ गायब हो गया पांच करोड़ रुपया लिए हैं कटहरी विधानसभा मैं तो भाजपा वालों को कह रही हूं कि जहां जहां ओपी राजभर से आप प्रचार करवाओगे ना वहां वहां पर आप बुरी तरीके से चुनाव हारोगे ये सुनीता राजभर का वादा रहा आप देख लीजिएगा कि पांच करोड़ में राजभरों का सौदा करके कटहरी विधानसभा में ये चले है। क्या मैं कहती हूँ ये सवाल करें ना ये जो लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं ये सवाल राजभर से करें कि तो आपने ठेका क्यों उठा रखा है बेचने के लिए राजभरों का आप क्यों हर जगह है, करोड़, करोड़, करोड़ है सौदागर है क्या अपने जो बिरादरी है जो उनकी जो जाति है जो उनका कौम है उसके लिए सौदा करते हैं बीजेपी से क्या बिल्कुल सौदा करते हैं कटहरी विधानसभा में उन्होंने पांच करोड़ ले लिया

मटिया मटियापलित हो गया बेचारा मर गया आपके बेटे के चुनाव में और चुनाव प्रचार करते करते पता नहीं आपने क्या बोला कि उसको हार्ट अटैक आया और वो तुरंत एक्सपायर्ड हो गया मैं तो यही कह रही हूँ कि एक्सपायर हो गया तो पचास लाख रुपया उनके घर पहुंचाया जाए वो कार्यकर्ता थे बीस साल समय दिया था उन्होंने उनको एक रुपया ना मिला था ना कुछ सैलरी मिला था मैं तो यही मांग कर रही हूँ देना पाँच करोड़ से पाँच करोड़ में पचास लाख दे ही देंगे तो कौन सा मतलब एक ये लोग कह रहे हैं ना कि कार्यकर्ता एक छोड़ करके चली जाएगी तो क्या हो जाएगा मैं तो यही कह रही हूँ कि आपके ओपी राजभर समुद्र हो गए एक लोटा जले

देने तक नहीं जा पाए इनके झंडा को बुलंद करने के लिए आज झंडा जब बुलंद हो गया ऑटो चालक से सीधा हो गए हेलीकॉप्टर पर चलने के लाइक तो चार चमचों को लेकर बैठा करके घूम रहे हैं जो चमचे जो जो इनको दिन रात घूम रहा करते हैं जो चमचे अपने आ, इनके मूल वोटरों का कोई कदर नहीं करते जो चमचे पार्टी के जो बीस साल जो पदाधिकारी है उसका देख करके उसको देख के कोई कदर नहीं करते वो चमचे जिनको इनकी खुद इनका खुद ख्याल नहीं रखते हैं उन चमचों को ये लेकर के दिन रात बाबू भैया बाबू भैया कह के और घूम रहे हैं तो मैं तो कहूँगी जो समर्थक हैं समर्थक भाई अपने इस लूट खसूट नेता से सवाल जवाब करो मुझसे सवाल जवाब करने से पहले अरे मैं क्या बिकूँगी मेरे पास क्या है मेरे पास नौ साल आठ सात साल बाद भी कुछ नहीं था और सात साल बाद भी कुछ नहीं है तो मैं तो यही कह रही हूँ कि आपका नेता आपका नेता जो एक लूट खसूट मचा के करोड़पति हो गया और पति हो गया पचास बीघा बनारस में जमीन पता नहीं उत्तराखंड हरियाणा पता नहीं कहाँ कहां, कहां जमीन करोड़ों की प्रॉपर्टी आई कहा से ये तो अपने लुटेरे नेता से कम से कम पूछ लो कि सुनीता राजभर पे एलिगेशन लगाने से पहले सुनीता राजभर उन कार्यकर्ताओं के लिए मैंने इस्तीफा दिया है उन युवाओं के लिए उन बच्चों के लिए उन बहनों के लिए जिनको ये आज से लेकर के बीस साल बाद बीस साल पहले से लेकर आज तक लूट खसूट मचाए हुए हैं बिल्कुल तो वो पी राजभर के साथ जैसे आपका कहना है कि अपने समाज के लोगों को टिकट नहीं देते हैं टिकट दूसरे लोगों को बेच देते हैं तो राजभर के साथ आखिर रहता कौन है वही तो मैं कह रही हूँ कि पूंजीपतियाँ पूंजीपत्ती आते हैं आराम से इनको बहलाते हैं पाँच करोड़ दस करोड़ एक करोड़ दो करोड़ पाँच करोड़ ले लीजिए टिकट दीजिए बाबू जी आराम से अपना मौज मस्ती उड़ाइए क्या दिक्कत है वो तो एकदम आ, आ, की का बोला जिला कि दही चूरा भोजपुरी में कहा दही चूरा साबस साबस बाबा जी वाला कहानी हो गई लीता ये लोग लूट खसूट जो मचाते हैं कार्यकर्ता राम दहीन पासवान जी मेरे ही घर से पर्चा दाखिल किए थे और मेरे ही घर से मेरे हाथों दही खा करके बेचारा गए हम लोग पर्चा दाखिल किए सुबह ही फोन आ गया कि राम दहीन झोरा बोला बांधो और चले आओ रसड़ा कार्यालय पर और जो है कि तुम्हारा पर्चा खारिज हो गया और तुम जो है कि ये टिकट जो है कि गठबंधन में मिल गया को और हम लोगों ने मेहनत किया रामधहीन पासवान जो दर्द झेल करके मेरे घर से गए सत्रह लोग मेरे उसी कुटिया में हम लोग हम लोग अठारह बीस दिन हम लोग खाना खाए हमने बनाया चुनाव प्रचार भी हम लोगों ने किया खाया पिया गया सब कुछ मतलब बेचारे लोगों का मैंने बहुत सेवा भी किया और मैं साथ भी रही राम दहीन पासवान के दिल की हालत मैंने देखी मैंने उनके हालात देखे कि क्या उनके ऊपर गुजरा और क्या वो दिन और क्या वो समय था क्या वो दौड़ था अरे कार्यकर्ताओं को जिस तरह से ये बेज्जत करते हैं जिस तरह से उनके साथ व्यवहार करते हैं इनको इस बात के लिए तो शर्म तो आनी ही चाहिए कि मैंने कार्यकर्ताओं के साथ मैंने कौन सा व्यवहार किया है और मैंने आज तक क्या दिया है और जो लोग मेरे ऊपर एलिगेशन लगाते हैं पुनः आपसे कह दे रही हूं कि आओ ना पूर्वांचल की धरती पर आओ थोड़ा सा दो साल काम कर लेना ओ पी राजभर जी के लिए बैठ के दिल्ली में सैलरिया भेजते हो पचास हजार अपने परिवार को और जो है कि मौज मस्ती करते हो सुनीता राजभर ने वो चीज़ नहीं किया है त्याग किया है अपने परिवार को छोड़ करके अपनी बच्ची को और अपने परिवार को मैंने छोड़ा है त्याग मैंने किया है और सुभाषपा के सारे कार्यकर्ता त्याग किए हैं चटनी रोटी खा

फोन बहुत आए थे कॉल्स बहुत आए संबंध में आए थे फोन बस यही कि मैम आप पार्टी छोड़ करके जा रही हैं ये बहुत बड़ी क्षति है आप जैसे ईमानदार कर्मठ कार्यकर्ताओं की ज़रूरत थी पार्टी में आप थी तो आवाज़ उठाती थी राजभरों को लेकर के कार कार्यकर्ताओं को लेकर के अब आप नहीं हैं तो समझ लीजिए कि हम लोगों की आवाज़ उठाने वाला भी इस पार्टी में कोई नहीं है दिल दिल। एक लास्ट सवाल होगा जैसे पिछले इंटरव्यू में कुछ लोगों का कमेंट आ रहा है कि सुनीता राजभर ने जो है मोटी रकम समाजवादी पार्टी से ली है और इसके पास जल्द इसके बाद जो है जल्दी समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने वाली है तो इस पर क्या

साथ में लेकर के चले आएंगे तो मैं तो यही आपको कहना चाहूंगी त्याग औकात कि कितनी है। है? सुनीता राजभर बिकने वालों में से नहीं है और किसी की ना तो हैसियत है और ना ही तो औकात है सुनीता राजभर जहाँ जाएंगी सम्मान के साथ जाएंगी और सम्मान के साथ रहेंगी ये भी आपको बता दे रहे हैं बिल्कुल जी तो लास्ट में आपका राजनीतिक कैरियर होगा अभी तो एक हफ्ते बीत गए अभी आपने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं किया तो दर्शक जो है उत्सुकता इनके मन में हो रही है कि आखिर एक हफ्ता दस दिन बीत गया आज पार्टी ज्वाइन पार्टी छोड़ते ही लोग दूसरे दिन ज्वाइन कर लेते हैं तो आपका अभी एक हफ्ता लगभग बीत गया और आपने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं किया तो क्या आगे की जो है रणनीति है आपकी अनमोल जी अभी भी कोई स्टैंड नहीं है जैसा होगा आपको जरूर बताएंगे मेरे दर्शक मेरे चाहने वाले मेरे भाइयों मेरे बहनों मुझे समझो मैंने इस्तीफा आप ही लोगों के लिए दिया है और जो भी मैं फैसले लूँगी आपके हित के लिए लूँगी और जहाँ पर आपके सम्मान की ठेस आएगी वहाँ पे सुनीता राजभर का फिर से जो है कि एक नया स्टैंड होगा और मैं कभी भी आप अपने समाज के लिए लड़ते हुए मरना पसंद करूँगी जी अनमोल जी लास्ट में सुभाषपा से बाहर आई इस्तीफा दी तो सुभाषपा से बाहर आने के बाद आपको कुछ दर्द है कि नहीं दिली दर्द है कि नहीं कुछ बहुत है दर्द है बहुत है धोखा देने के लिए जब नेताजी ने इतना धोखा दे दिया तो बहुत ज़्यादा दर्द है दर्द है कि मैंने नौ साल अपना आठ साल सात साल नौ साल मैंने यूँ ही अपना किस तरह से और कैसे लोगों के बीच में मैंने बर्बाद किया बिल्कुल ये सुनीता राजभर का दर्द है इसलिए कि नौ साल सुभाषपा को इन्होंने दिया और महिलाओं की लड़ाई लड़ती रही तमाम जो है ये मंच लगते थे तो वहाँ से ये दहाड़ती थी और ये जो है नारी शक्ति सुभाषपा में एक मजबूत स्तंभ थी और इनके निकलने के बाद क्लियर हो जा रहा है कि सुभाषपा को नुकसान है और महिलाएं इनके साथ हैं और महिलाएं है कुछ जो है कह रहे हैं कि आप जहां भी रहेंगी आपके हम लोग साथ रहेंगे तो बाकी आपकी क्या रहा है सुनीता राजभर के बारे में नेक्स्ट अगर जो ये कोई पार्टी ज्वाइन कर रही है तो मेरे चैनल पर फिर इनका दूसरा इंटरव्यू आएगा अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार